हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं 6 सुबह के एंड टुडे इज 29th of September। 30 तारीख को फेसबुक ने एक इवेंट रखा है, क्रिएटर्स मीट है, तो उसके लिए मुझे इनवाइट किया था। आई एम गोइंग टू मुंबई BKC टू अटेंड दैट इवेंट एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। काफ़ी सारे क्रिएटर्स वहाँ पे होंगे एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट देम। पता नहीं कौन है, मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन सारे क्रिएटर्स को बुलाया। सो आई फील दैट दिस इज़ वन ऑफ माय यू नो हैप्पीएस्ट मोमेंट, ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ कि मैं इतने सारे क्रिएटर्स को मिलूँगा। अच्छा लग रहा है। सो आज मैं जाने वाला हूँ, 4-5 दिन मुंबई में रहने वाला हूँ और वहाँ से आने के बाद फिर से कॉन्टेंट शुरू होगा। बट स्टिल आई हैव सम स्टॉक फुटेज इन माई फ़ोन विच आई बी एडिटिंग एंड अपलोडिंग ऑन माई इंस्टाग्राम। सो या, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है ये व्लॉग। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो अभी इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट इज़ गोना बी फन। जस्ट अपने घर से बाहर निकला था मैं और यहाँ पे आने के बाद एक चौक में एक बच्चा खड़ा था जो कि अपनी रिक्शा की वेट कर रहा था एंड उसको देख के बचपन की याद आ गई। हम भी बचपन में ऐसे सुबह रेडी होके खड़े होते थे और हमारे स्कूल की रिक्शा आती थी। सो आई एम इन मुंबई। मैं पहुंच गया था 11 बजे, काफ़ी दिक्कत हुई लेकिन सही सलामत पहुंच गए। खाना वाना खा लिया है और अभी मैं जा रहा हूं मिलने द फैनी क्लब से। तो मैंने तेजस को फ़ोन किया था क्योंकि बाकी सारे लोग जो है वो अपने ब्रांड वीडियोस शूट करने में लगे हुए हैं, पैसा छापने में लगे हुए हैं। तो तेजस ने लकीली फ़ोन उठाया और उसने कहा कि हम लोग अभी शूट कर रहे हैं तो आ जा, क्योंकि आज मेरा पूरा डे आई विल बी चिलिंग। ऑल्सो यहाँ पे अभी मैं जिनके टैक्सी में बैठा हूँ उन अंकल को मैंने पूछा कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हो। सो ही वाज लाइक ही आई बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 1.5 ईयर। तो उन्होंने उनको बोला कि मैंने 1.5 साल से, मतलब कि उससे पहले क्या करते थे। ही सेड कि हम खेती करते थे बट कुछ फैमिली डिस्प्यूट के कारण मैं वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया एंड आई हैव स्टार्टेड ड्राइविंग माय टैक्सी ऑफ माय ओन। तो मुझे बस इतना इस चीज़ से सीखने मिला कि वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। रिसेंटली आई हैव बीन फेसिंग सम अप्स एंड डाउन्स एंड आई ऑलवेज थॉट ऑफ लाइक यार रुक जाते हैं, बस हो गया, बहुत कर लिया, या फिर कुछ अलग ट्राई करते हैं, या तो फिर यार नहीं हो रहा है, शायद मेरे से लाइफ में कुछ होगा नहीं, ऐसा मैं सोच रहा था। बट ये छोटा सा थॉट मुझे आज इनसे मिला कि मैं सब कुछ वो पीछे छोड़ के, सारी फैमिली मेरी गाँव में है और मैं अकेले यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए और ब्रांड वीडियोस छापे जा रहे, मतलब जब पैसे छापे जा रहे, पैसे मतलब क्या है वो? मैं याला विचार ले रे पण अरे के येता करायचंय, रँगोचा करायचंय, याचा चाललाय, त्याचा चाललाय, सगळ्यांचे ब्रँड व्हिडिओ आहेत। मीच घरी नाही तो तुम्हाला चिडवल रहा। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं 8:15। मैं सुबह 6:30 से घर से निकला हूं और मैं फैनी क्लब के साथ था दोपहर 2:30 बजे से लेके 8 बजे तक और मैंने देखा कि ये लोग सारे ब्रांड वीडियोस कर रहे थे। तो आज कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई नहीं है। ऑल वी हैव डन इज अरे बाय बाय बाय। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान मेरा सबर छटा जा रहा है। ठीक है, एनीवेज तो इसका मैंने एक ब्रांड वीडियो शूट किया है तो उसके 20% मुझे मिलने वाले हैं। नहीं भाई 50%। अच्छा ठीक है, मैं 20 बोल रहा था, 100 बोलो, 20 मुझे मिलेंगे, 80 मेरे, 20 तेरा, बाकी बच्चे लोगों का। काय म्हणतेस तू, कशी गेले गेले मला ऍक्सेंट वाला आवडतो तुझा, म्हणजे तोच मी पहिल्यांदा पाहिला, कर्कटक वाला मी आणि सगळ्यांना कर्कटक कितनी बड़ी ह्यूज पर्सनालिटी है। देखो हम दोनों भाई मिल गए हमको लाइक दो साल बाद और मिलना भी ऐसे हुआ कि पुणे खूब आए, खूब बात हुई कि मिलेंगे लेकिन बड़े क्रिएटर्स ने हमें मिला दिया। हां बड़े क्रिएटर्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं छोटे क्रिएटर्स से आके नहीं बातें मेरी बनाई बातें हैं। क्राफ्टेड आदमी है, सबसे खतरनाक है ये छुपे रुस्तम है भाई। चलो चलो अभी ये मैं यूज करूंगा, ये चल मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। ये सच है ना, सच तो दिखाना पड़ता है, कोई ना कोई तो बोलेगा आगे। करण सर माझा दुसरा ब्लॉग आला सर तुमचा, अजून पहिला त्या दिवशीचा पण येत नाही अजून। ये जगह है ये सवाल पूछने का, असे विषय घेऊन तुम्ही माझ्या समोर मला काय बोलायचं काय कळत नाही, असं भेटणार होतात आणि सगळ्या विषयांवर तुम्ही एकदम वर आहात आणि ह्याच विषयात मागे, म्हणून म्हटलं हाच डिवचा हाच विषय घेऊन तुम्हाला खूप छान विषय निवडलेला तुला बघतो। तेरा 900K वाला जो कॅप्शन था ना, स्क्रीनशॉट निकाल के रखा
क्योंकि वही ऑप्शन है मेरा, बड़ी नहीं रहा है अगदी बरं असं झालं की एवढ्या कुठे बस म्हणजे असं झालं मी आता शाहरुखला भेटलो आणि त्याच्यानंतर 1 मिलियन झाला सांगतो मग काय फायदा नंबर गेम माझा तो त्यामुळे झाला नंबर गेमवर लक्ष नव्हतं क्वालिटी गेमवर लक्ष आहे माहितीये नंबर गेम थांबला की होतो त्रास मी काय त्याचा पण मी कधीच स्क्रिप्ट नाही केलंय ऑन सोशल मीडिया पण नंबरचं मला माहिती भावाचे नंबर अडकले बट इतकंच अडकले किती दिवस झाले ते जातील पुढे जातील हार्दिक पांड्या एक इसका ब्लॉग रेकॉर्डर आहे हे माझं स्टोरेज साठी ठेवलेलं आहे दुसरा आयफोन घेतला दाखवण्यासाठी ऐक ना साक्षी कर्कटक आहे का कर्कटक नाही चिकट पट्टे आहे का तुझ्याकडे काय फायदा क्रिएटर बनके इतनी लाइन में चल के आना पड़ रहा है अगर इस लाइन में नहीं खड़ा रहना तो 1 मिलियन बना अरे यार यहाँ पे 300K नहीं हो पा रहे लेकिन कब से रो रहा है ये क्या करे दुख दर्द पीड़ा देखो गाइस हम लोग कितने भी बड़े हो जाए यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी महंगे शॉपिंग मॉल में आ गए और यहाँ पे बहुत सारी महंगी महंगी चीजें ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे आने के बाद और ऐसी चीज है जिसको मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे ऐसी जगह पे आ गए और यहाँ पे पूछ रहे हैं आप आधार कार्ड दिखाइए मतलब लगा इतनी कूल जगह है और यहाँ पे भी आधार कार्ड पूछ रहे हैं बताओ सुशांत सरांचं जो कॉन्फिडन्स आहे एकदम कॅज्युअल कपडे एकदम कॅज्युअल जेवढे कॉन्टेंट मध्ये कॅज्युअल असतात तेवढेच कॅज्युअल इव्हेंटला आलेले आहेत हा नाही इथे किती जण आहेत मेळावा भरला साई भंडारा झाला भंडाराचं जेवण प्रसाद मिळणार आहे महाप्रसादाचं यहाँ पे सारे क्रिएटर्स ऐसे बैठे हैं जैसे यहाँ पे कोई लेक्चर चल रहा है But now they break barriers. Be from India or outside, people who do not understand these languages are making reels on them because passion travels. लेक्चर अटेंड कर रहे हैं नोट्स निकालेंगे अभी. Oh shit, it's Ranveer Singh over here. डब्बे में क्या क्या भरना है कुछ डिसाइड किया मेरी तो चौथी प्लेट चल रही है ये तो खाना ही है ये बंदा क्यों में नहीं लगना इसलिए सबके प्लेट से खा रहा है am I correct क्यों लगने का क्यों सर फिलहाल आप क्या कर रहे हो सर सर मैं फिलहाल मेटा क्या 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 ये सॉरी तैयार वैयार हो गया पता नहीं क्या कर रहे सर जी ग्रेटर डे के लिए आया हूँ कैसे हो सर और बस यहाँ पे भी डिटेलिंग नहीं भूलना पर यस हाँ देखो बाल देखो यस देख रहे हो आप कंटेंट क्रिएटर आप ये इन्फ्लुएंसर क्यों बने हो सर आज सर क्या बात है आज आप ऐसे इन्फ्लुएंसर क्यों दिख रहे हो सर जैसा दिस वैसा दिस सेंट इन बैगी इज द ओनली बैगी आई वांट इन माय बैग आई लव सेंट इन बैगी शो एक्टिंग करता था अक्षय कुमार का इतना अच्छा नहीं करता इतना ये करता है भाई मेरा अरे बाप रे इसको बीप कर अच्छा अक्षय कुमार का ये बीप कर देना ये रखूंगा मैं जो भी ब्लॉग लेके आते ना सबको पता है मेरा मेन था कि मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए अभी मम्मी को पता है यहाँ पे मेटा वालों ने हमें दिए है बियर और वाइन लेकिन मेरा दोस्त जो है मैंडी वो घर से कुछ चीजें लेके आया जिसको देख के मैं बोलता हूँ अरे तू आदमी की कपट है क्या निकला जहर एकदम जहर अनिल क्या खा रहा है हेलो गाइस सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्लॉग इनिशियली मैं बहुत प्रेशर में था क्योंकि ये इवेंट मेरे लिए बहुत नया था एंड इस इवेंट के लिए रितु ने और मैंने खास जाके शॉपिंग की थी रितु ने मुझे कहा कि तू इतने अच्छे लोगों से मिलने जा रहा है तो थोड़ा तैयार होके जाना तो शर्ट खरीदा एक जगह से मैक्स में गए शॉपिंग के लिए फिर उसके बाद एक कार्गो खरीदी शूज़ खरीदे
एंड पूरा एक दिन ऋतु ने मेरे लिए इन्वेस्ट किया था, मेरी आउटफिट उसी ने, जो भी मैं इस इवेंट में आउटफिट पहन रहा हूँ वो ऋतु ने मेरे लिए सिलेक्ट की थी। तो बहुत ही नर्वस था कि कैसी जगह पे पहले कभी गया नहीं, इतने सारे क्रिएटर्स मिले। रणवीर सिंह जब स्टेज पे आए तब मुझे तो ऐसा लगा कि यार मैं पागल ही हो गया था, क्या ऑरा है उस बंदे का, एक एनर्जी लेके आता है। तो मेरे लिए तो बहुत सही एक्सपीरियंस था। सेकंड चीज़ ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट बना रहा हूँ, यूट्यूब पे उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं जब भी स्केच वीडियो बनाने जाता हूँ हमेशा एक चीज़ हो जाती है कि दूसरा कुछ काम आ जाता है, ब्रांड का वर्क आ जाता है, ऑर्गेनिक वीडियोस बनाने होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वीडियोस बनाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ, ब्रांड वीडियोस का प्रेशर होता है। इसमें यूट्यूब का ऐसा होता है ना कि एक वीडियो को एटलीस्ट दो दिन तो देने पड़ेंगे अगर स्केच कर रहे हैं, तो पोस्ट प्रोडक्शन का एक डेढ़ दिन अलग से, एडिटिंग का, सीसी का, वॉइस, एवरीथिंग। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू अपलोड वन व्लॉग एटलीस्ट इन अ वीक, एक 10 मिनट का हर दिन में अगर डेढ़ मिनट भी शूट कर ले तो तब भी बहुत सारा फुटेज आ जाएगा। आई विल ट्राई एंड मेक दैट थिंग हैपन, बट इन एन ऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हफ्ते में एक व्लॉग तो जरूर अपलोड करूंगा एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। अभी शादी की तैयारियां भी चल रही है तो उसके भी व्लॉग्स धीरे धीरे आएंगे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू लाइक माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग द सेम वे। चीयर्स, पीस आउट, थैंक यू।